नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं जो कि अब बहुत ही जरूरी है। पहले यूपीएससी के लिए जरूरी हुआ करता था, पीसीएस में आप इधर उधर से काम चला लेते थे, लेकिन अब यूपी पीसीएस ने जो 2017 का पेपर पूछा है उसको देख के यही लगता है कि अब एनसीईआरटी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। अच्छे से हम पढ़ाई अगर एनसीईआरटी की नहीं करेंगे तो समस्याएं आएंगी। इसके पहले हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी और कक्षा 8 की एनसीईआरटी भूगोल की पढ़ चुके हैं। ये भूगोल की ही कक्षा 9 की एनसीईआरटी जो समकालीन भारत के नाम से आती है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और प्लेलिस्ट में अब आप जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी रीड विद अस और क्लास का नाम और विषय उसमें लिखा मिलेगा, उसको आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर चैप्टर वाइज सारा डिस्कशन आपको मिल जाएगा। कभी ज्यादातर एक एक चैप्टर का, कभी कभी जो छोटे चैप्टर हैं तो दो चैप्टर भी साथ में डिस्कस किए गए हैं। बस आपकी सहूलियत के लिए सारा काम किया जा रहा है, जैसे भी आप इसको अच्छे से पढ़ पाए, सुझाव आमंत्रित है, आप सुझाव देते रहिएगा। जो समकालीन भारत कक्षा 9 की एनसीईआरटी है इसके अंतर्गत हम अध्याय 1 है, चैप्टर फर्स्ट, भारत आकार और स्थिति, और उसके बाद में हम भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर 2 के अंतर्गत, फिर ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह चैप्टर 3, और क्लाइमेट जलवायु के बारे में चैप्टर 4 के अंतर्गत, चैप्टर 5 में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और चैप्टर 6 में जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। आंकड़े अगर जनसंख्या के जो भी अपडेट होंगे उनको हम अलग वीडियो में देख लेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे क्या जो कंसेप्ट है उन सारी चीजों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट पे जाते हैं और चैप्टर फर्स्ट के बारे में यहाँ पे देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट में क्या अध्ययन किया गया है। भारत आकार और स्थिति, एनसीईआरटी मित्रों जो ये पुस्तक है इसमें हर क्लास में आपको बहुत सारे चैप्टर रिपीटेड मिलते हैं, यानी कि सेम चैप्टर आप पढ़ चुके होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप भले पढ़ चुके होते हैं लेकिन हर क्लास का स्तर अलग अलग होता है और हर क्लास में उसमें कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन, स्तरीय इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम फिर से यहाँ पे देखेंगे और बार बार पढ़ने से तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे तो बड़ा समय बर्बाद होगा। तरीका हमारा वही होगा, जो फालतू की चीजें हैं उसको आप, जो डिस्कशन करने लायक नहीं है उसको आप सरल चीजें पढ़ लीजिएगा, जो कठिन चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। एक ये इंट्रोडक्शन हुआ। ऐसा अगर आप एस्से में ये पद्धति अपनाते हैं और एस्से में इसको लिखते हैं तो आपको नंबरों की बरसात होगी। ये आप मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये भाषा बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी की भाषा को आप मानक भाषा मान सकते हैं। अब हम आइए एक एक चीज करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्थिति देखेंगे। भारत एक विशाल देश है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको समझाया था कि अगर ये ग्लोब है, इसमें आप ग्लोब ले लीजिए, ये ऊपर कटा है चिंता मत करिएगा, लेकिन ये समझने भर का है। तो ये बीच में विषुवत रेखा है, देखिए जहां पे कर्सर जा रहा है, मैं थोड़ा सा मार्क लगा रहा हूँ, ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है। इसके पहले हम अक्षांश अंतर के बारे में कक्षा 6 वाली एनसीईआरटी भूगोल में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे अगर समझ में ना आए तो जाके देख लीजिएगा। तो ये जो रेखा है इसके उत्तर में जो गोलार्ध है इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इसके जो दक्षिण में है इसको हम ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को यानी कि जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है उसको साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये नॉर्थ और ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया। तो यही बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध की, और मुझे लगता है आपको इससे ज्यादा समझ है। अगर नहीं है तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, वीडियो लंबा होगा चिंता मत करिए, बस आप देख लीजिए, मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये बात हम लोगों ने समझ ली कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ये क्या कह रहा है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 36 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में है। तो कभी की कंफ्यूजन, मैंने पहले भी बताया कि उत्तर उत्तर ही दे रहा है तो ऐसे कैसे स्थिति, तो देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में ही है, ये साउथ, ये आपका विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध है। तो यहां से यहां तक की जो ये स्थिति दे रहा है यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट यानी यहां से और ये जितना उत्तर जाएंगे ना तो 37 डिग्री, ऐसे डिग्री बढ़ती चली जाएगी और सबसे ध्रुव पे पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो ये विस्तार उत्तर से दक्षिण हो गया। फिर 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो ऐसे ही अगर हम देशांतर वाले में इसको यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से डिवाइड करें तो ये पूर्वी गोलार्ध में आएगा और इधर ये पश्चिमी गोलार्ध होता है, तो पूर्वी गोलार्ध में भारत है। तो दोनों जो हम यहाँ पे देशांतरीय स्थिति दिखाएंगे तो पूर्वी करके लिखेंगे, तो 67 डिग्री 7 मिनट यानी यहाँ से और यहां तक ये स्थिति, यहां से और यहां तक यानी गुजरात और इधर ही अरुणाचल प्रदेश, तो ये 67 डिग्री 7 मिनट यानी गुजरात तरफ से और 97 डिग्री 5 मिनट तक है। और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को, है ना, देश को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, खूब प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो 23 डिग्री कर्क रेखा ये यहां पे पड़ेगी
ये वाली यहाँ पे ऐसे निकलेगी ऐसे, तो ये दो बराबर भागों में बांटती है। अगर ऐसा कहा जाए आपसे तो ये बात बिल्कुल सही है, दो बराबर भागों में बांटती है। बराबर का मतलब पॉइंट में बिल्कुल होने नहीं, लगभग बराबर। और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस में इन बिंदुओं को देखिए। मित्रों यहाँ पे मैं जितना संभव हो पाता है बताता हूँ, उसके अलावा आप एटलस लेके बैठा करिए, कॉपी पेड लेके बैठा करिए, नोट्स बनाया करिए, जिससे कि पूरा तैयार हो जाए। आपको जब एग्जाम देना हो 15 दिन पहले आप उठाएं और एक एक करके पूरा रिवीजन कर लें, कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी आप सोच सकते हैं। तो ये आपका भारत है, भारत के इधर ये जो ये इधर सब देखिए चारों तीन तरफ ये समुद्रों से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप इसीलिए कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, ये अरब सागर का क्षेत्र है। अंडमान निकोबार जो आएगा यहाँ पे श्रीलंका के पूर्व में, इस जगह पे अंडमान निकोबार की स्थिति आएगी, तो यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में होगा। इधर ये कह रहा है कि लक्षद्वीप और ये है, तो लक्षद्वीप कहाँ, लक्षद्वीप में दक्षिण पश्चिम में इधर होंगे, तो ये अरब सागर में स्थिति आ जाएगी। आगे हम डिटेल में सब पढ़ेंगे। भारत भूभाग का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, नोट कर लीजिए इसको या समझ लीजिए, याद कर लीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के यानी जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। ये प्रश्न पूछा जाता है, जनसंख्या नहीं क्षेत्रफल। और अगर इस लिहाज से हम देखें तो ये इस लिहाज से सातवां सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है। और भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा रेखा, ये 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,716 किलोमीटर। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा समझाया दे रहा हूँ, अगर आपका ये इंडिया है इसे बहुत अच्छा नहीं बन पाता जितना अच्छा बोर्ड में बन पाता है, लेकिन फिर भी। तो ये कह रहा है कि जो ये निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ जो भी समुद्री तट रेखा है, यानी कि यहाँ से अगर हम ऐसे शुरू करें और ये पूरा यहाँ तक आते हैं हम, तो ये जो सीमा है हमारी ये 7,716 है। लेकिन अगर इसी के साथ में ऊपर का भी पूरा ऐसे मिला लें, जो ऊपर से यानी जम्मू कश्मीर और ऐसे आते हुए सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर आके, तो ये पूरी जो लंबाई मतलब ये आती है दूरी, ये 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा रेखा, भारत की स्थल सीमा रेखा यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा मिला के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो भारत के उत्तर पश्चिम, भारत उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत है, अगर ऐसा आपको स्टेटमेंट दिया जाता है तो ठीक है। और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, देखो ये दक्षिण का जो भूभाग है ये उत्तर में देखो चौड़ा है और दक्षिण में ये क्या है सकरा हो जाता है। और इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व बंगाल खाड़ी है, हमने देख ही लिया है। और इसका अक्षांश देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, यानी कि पूरब से पश्चिम चले जाए अगर इंडिया में तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 ही है लगभग, और ये भी लगभग 30 ही अगर ऐसा कहा जाए तो आपको सही मानना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट नहीं है अभी हम बात करेंगे। और आप देख भी सकते हैं जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट घटा दीजिए ऐसे देशांतरीय विस्तार से, तो आप निकालेंगे तो दोनों में अंतर आएगा, 30 प्लस तो 30 से कम आएगा, लेकिन लगभग 30 को माना जा सकता है। फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की अपेक्षा ज्यादा है। देखिए आगे इन्होंने लिख दिया कि पूर्व पश्चिम का जो है ये ज्यादा है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा, ठीक है ना। पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की अपेक्षा क्या है, कम है, ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अलर्ट रहा करिए, मैं गलत बोला था उसको। तो पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की अपेक्षा क्या है, कम है, यानी कि उत्तर दक्षिण में ज्यादा विस्तार पाया जाता है। तो ये हमने बात की, इसके बाद में अब हम देखते हैं आगे चल के। ये तो आपको बिल्कुल निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। और अगर इस ये चीजें आपको कहीं भी दिक्कत कोई आती है तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम अगले उसमें जो भी चैप्टर आएगा वहां पे बता देंगे। लेकिन इतना ज्यादा मत पूछिएगा कि पता चलेगी ऐसी छोटी छोटी चीजें, मतलब जो समझ में नहीं आएगा गंभीर प्रश्न होंगे वही। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और 85 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है, तो यहाँ से जो रेखा गुजर रही है तो एक तो ये पूर्व से पश्चिम या अक्षांश होती, तो देशांतर से हम समय का निर्धारण करते हैं। तो ये जो गुजर रही है यानी कि 82.5 डिग्री जो कि मिर्जापुर से 82.5 आप इसको मानिएगा जो भी मैं लिख रहा हूँ, तो ये मिर्जापुर से गुजरती है, यहीं से समय का निर्धारण होता है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पड़ेगा, गुजरात यहाँ पड़ेगा,
अब इन दोनों में 2 घंटे का अंतर हो जाता है, क्योंकि 30 डिग्री का विस्तार है, और मैंने पिछले चैप्टर में आपको समझाया था कि 15 डिग्री का जब आप चलेंगे किधर भी तो 1 घंटे का अंतर आए, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतर आता है, 30 डिग्री में 2 घंटे का लगभग हो जाएगा। तो यह है, तो मांग भी चल रही है टाइम जोन की, वो तो जब हम डिस्कस करना होगा करेंगे। फिलहाल इसमें देखें तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, आप देख ही रहे हैं स्थिति आपको बिल्कुल पता है, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, आप देख रहे हैं हिंद महासागर की स्थिति आराम से समझ सकते हैं, ये आपका अगर मैप है तो ये पूरा हिंद महासागर, ये आपका हिंद महासागर है, देखिए लिखा भी है हिंद महासागर, और इसमें जो है ये शीर्ष पर फैला है, और पश्चिम एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बना है, तो ये भौगोलिक स्थिति है, आप मैप में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, दक्षिण महासागर में कोई ऐसा सॉरी हिंद महासागर में, हिंद महासागर दक्षिण में, दक्षिण हिंद महासागर की कोई मतलब नहीं है, गलत बोल रहा होगा, हिंद महासागर में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे जिसकी तटीय सीमा भारत जैसी हो, और भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर, देखिए ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नाम पे ऐसा महासागर का नाम रखा गया, सागरों के नाम तो हो सकते हैं छोटी छोटी, महासागर का नाम देखिए हिंद महासागर, हिंद माने हिंदुस्तान भारत, और ये देखिए भारत का इन्होंने दिखाया है कि प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये इन्होंने भारत की स्थिति, ये 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 सातवां स्थान है इनका, और इसमें क्षेत्रफल के क्रम में यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन दी हुई, कभी कभी ली जाती है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। स्वेज नहर मैप में आप देखिएगा, आप जब अरब सागर से पश्चिम में पश्चिमी हिस्से पे जाएंगे तो वहां पे आपको स्वेज नहर दिखेगी, जिसके जरिए यातायात होता था प्राचीन समय से, आज भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें हम समझ लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है, यहाँ से 68-7 से 97-25 देखिए कितना बढ़िया मैप दिया हुआ है, इससे अच्छा मैप हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो ये 68-7 से 97-25 2933 किलोमीटर ये विस्तार हो गया पूर्व से पश्चिम का, और 37-6 से ये वहाँ ऊपर देखिए उत्तर में, और ये 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तर दक्षिण हो गया, ये देखिए 3214 है, भले हम इसको कह रहे हैं कि 30 इधर भी है 30 इधर भी है लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना, 30-30 पूरा करेक्ट नहीं है लेकिन मोटा मोटी हम मान ले रहे हैं अपनी अध्ययन की आसानी के लिए, तो इधर का आप याद रखिए उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और ये 2933 किलोमीटर। अब जो माध्यान्ह रेखा ये गुजर रही है, देखिए यहाँ से गुजर रही है ऐसे, ये देखिए जो डॉटेड लाइन है, अब यहाँ से ही मिर्जापुर यहाँ पे पड़ता है, इसी से यहाँ से आपका समय का निर्धारण हो रहा है। अब मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि ये ठीक है, तो इधर आप इसके राइट में जाएंगे तो यहाँ तक 1 घंटा बढ़ेगा, लेफ्ट में जाएंगे तो 1 घंटा घटेगा, लेकिन एक ही देश में अगर गुजरात का एक स्थान ले लें और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का स्थान ले लें तो लगभग 2 घंटे का इसमें समय का अंतर आ जाता है, जबकि हमारी घड़ी एक है, कई देशों में कई टाइम जोन होते हैं लेकिन भारत में एक ही है, ये समस्या वहाँ पे बताई जा रही थी। अरब सागर की स्थिति आप ये देख ही रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये श्रीलंका आपका है, ये लक्षद्वीप है देखिए अरब सागर में, और बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं भारत की स्थिति हम देख लें, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग हम देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग के अंतर्गत ये बहुत सारी जो मार्क्स दिए हुए हैं, इन मार्गों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है कि हम भारत से रिलेटेड, वैसे तो पूरे विश्व के मार्ग हम नहीं देख सकते, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये डॉटेड लाइन में कुछ दिखाया हुआ है, और वो जो बात अभी हो रही थी स्वेज नहर की, तो ये स्वेज नहर यहाँ बनाई गई, तो देखिए ये, और यहाँ से जब अगर हम वैसे जाते तो घूम के हमको जाना पड़ता है, यहाँ पे हिंद महासागर से अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से जाते, लेकिन जब स्वेज नहर खुल गई तो जहाज हमारे यहीं से निकल के यूरोप हमारे लिए नजदीक हो गया। तो हम पढ़ते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं, भारत का विश्व के देशों के संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, और उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, और जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इतिहास की दृष्टि से, और इन मार्गों में प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा, भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है,
तो ये सारी बातें हैं, और मसाले, मलमल आदि, कपड़े, व्यापार आदि, तो ये सारी चीजें हैं, पर्यटन की कहानी, और ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी की दृष्टि से नहीं है। भारत और पड़ोसी देश देखें तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे हैं, और उनसे मिलकर एक भारत देश हमारा बना हुआ है, ये हमारे सब स्टेट हैं। और भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में देखिए पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन, तिब्बत में, और नेपाल, भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। तो दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव, और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। एनसीईआरटी की एक बहुत खास विशेषता है कि ये जो भी देता है उसको मैप में दिखाता है, तो यहाँ पे जब भी हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। बहुत ध्यान से एनसीईआरटी को गंभीरता से लीजिए, जो ये पैटर्न यूपीपीसीएस का या यूपीएससी का तो पहले से ही ऐसे है। जो भी हम नए एग्जाम हो रहे हैं उनका अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो एनसीईआरटी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। देखिए ये पाकिस्तान है, इससे हमारी सीमा मिलती है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अफगानिस्तान से ये देखिए बहुत थोड़ी सी सीमा यहाँ पे मिल रही है, तो अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी हो गया। चीन का ये तिब्बत वाला क्षेत्र पूरा तो ये मिल ही रहा है, इधर इधर भी मिल रहा है। नेपाल तो हमारा बिल्कुल हमारे लग रहा है हमारे परिवार का ही सदस्य है, ऐसे भूटान है, और इधर आप आएंगे तो ये बांग्लादेश से सीमा हमारी मिल ही रही है, और इधर म्यांमार से हमारी सीमा मिलती है। ये हो गया, और उसके बाद में श्रीलंका, श्रीलंका से देखिए ये कटी हुई है, बीच में मतलब समुद्र आ जा रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी है, और इस तरह से पड़ोसी तो है ही है, सीमा भले वैसे डायरेक्ट नहीं मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कौन सा और छूट रहा है। ठीक है, तो ये 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे इससे भी हमारी सीमा श्रीलंका से जो मिलती है, तो इसको जोड़ ले तो ये 8 हो गया। यहाँ पे आप दिमाग में ये बिठाने की कोशिश करिए कि कितने राज्यों से मिलती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किधर किधर और कितनी किस जगह मिलती है, क्योंकि अब जो प्रश्न का ट्रेंड आ रहा है तो उस ट्रेंड के अंतर्गत हम पाएंगे कि ऐसी चीजें पूछी पूछी जा रही हैं कि अगर आपने गहराई से अध्ययन नहीं किया होगा तो आपको दिक्कत होने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। संख्या वंख्या तो आप अगर ऐसे होगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ के ऐसे काउंट कर लेंगे, इधर ये मिलती है इधर ये मिलती है। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, आगे अब हम बढ़ते हैं। तो अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, ये अच्छे और खराब बनते रहते हैं, इसका इससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी बातों को जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की लिहाज से उनको देख लें। तो ये हमने लगभग ये पूरा डिस्कस कर लिया, भारत और उसके पड़ोसी देश हमने डिस्कस कर लिए, और ये व्यापारिक मार्ग पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये व्यापारिक मार्ग में जो भी मार्ग दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे तो ये कि वायु मार्ग इन्होंने दिखाया है, मैप जब देखिए तो कभी भी इंडिकेशन देख लिया कि जी किससे क्या दिखाया गया। दूसरा डॉटेड लाइन से ये समुद्री मार्ग दिखाया गया है, तो देखिए कितना कनेक्टिविटी हमारे यहाँ की है, कोलकाता से देखिए जैसे ये सीरिया जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान भी कोलकाता से यहाँ ईरान की ओर से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट देखिए नहीं जुड़ा हुआ है वायु मार्ग से, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ से हम इसमें दिखाया जा रहा है कि जा सकते हैं। ऐसे ही हम देखें तो कोलकाता से हम थाईलैंड, फिलीपाइंस, जापान का टोक्यो है ना, ऐसे जुड़ा हुआ है। चेन्नई से हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, ऐसे ही मुंबई से देखिए सीरिया का फ्लाइट सीधे हम जा सकते हैं, यहाँ से यूरोप जा सकते हैं। ऐसे ये समुद्री मार्ग हम देखें तो देखिए यहाँ टोक्यो से ये पूरा समुद्री मार्ग से भी मुंबई जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, तो ये सारी चीजें हैं। और ऐसे मुंबई से देखिए ये अफ्रीका में हम जा सकते हैं, ये तंजानिया है यहाँ पे, और ऐसे श्रीलंका से देखिए ये कनेक्टिविटी है, तो इन सारी चीजों को, इंडोनेशिया से हम कनेक्ट हैं, फ्लाइट से भी कनेक्ट हैं, इसमें सारा कुछ नहीं दिखाया गया है, सारा कुछ एक मैप पे दिखाया भी नहीं जा सकता है, लेकिन देखिए ये समुद्री मार्ग पूरा दिखा रहा है, इंडोनेशिया ऐसे फिलीपींस समुद्री मार्ग से भी हम कनेक्ट है, और जहाँ पे स्थल है वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब जैसे संबंध हमारे पाकिस्तान से नहीं सही है तो थोड़ी सी समस्या तो है ही है, तो संबंध अच्छे हैं तो उनके साथ हमारा पूरा अच्छे से सारा विकास होगा, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग, रोड मार्ग। तो ये चैप्टर हम लगभग सारी चीजों को हमने देख लिया है। अब यहाँ पे जो इसकी इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा लेकिन आज नहीं, इसको आप आज समझ लेंगे, उसके बाद में मैं ये क्वेश्चन करूंगा,
और कुछ क्वेश्चन और इसमें ऐड किए जाएंगे। जब ये चैप्टर, मैं ये मान के चल रहा हूँ जब एक बुक खत्म होगी तो उससे रिलेटेड 50 प्रश्न हम 50 प्रश्न कर लेंगे, तो इस बुक से भी ले लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। इसको रोज रोज पढ़ते चलिए, बस यही आपसे आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट भी है, और अच्छे से करिए। निश्चित तौर पे हम इतनी अच्छी तैयारी करेंगे, इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि हाँ हम तैयार करके आए। अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करिएगा, और थोड़ा सा संख्या सब्सक्राइबर अगर हमारे बढ़ जाते हैं तो हमको थोड़ा काम करने में और मजा आएगा, और सलाह भी हमको ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल ना सब्सक्राइब किए हो कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। तो सहयोग करते रहिए, और सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम इसको बहुत आगे तक आपके साथ चलने वाले हैं, निश्चित तौर पे आपके लिए हम लाभकारी होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सुझाव हमेशा कमेंट के तौर पे आमंत्रित हैं, देते रहिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।